इससे ज़्यादा घना जंगल पूरे उद्धम सिंह नगर में कहीं नहीं होगा, जो कि बहुत डेंजर है। यहाँ पे देखो एकदम नेचुरल तरीके से मैगी बनाने का प्रोसेस चल रहा है। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। अभी मैं उत्तराखंड में हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं गुजरात गया था और बिना किसी व्लॉग के मैं उत्तराखंड कैसे आ गया। तो शॉर्टकट में रीज़न बता दे रहा हूँ। मैं जहाँ होटल लाइन में काम करने गया था वहाँ पर क्या हुआ कि सब कुछ सही था, बट कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो वो लोग कोई भी एक्शन लेने में बहुत टाइम लगाते थे, और इसी वजह से मैं और मेरे जीजा दोनों लोग वापस आ गए। सो अभी मैं आया हूँ अपने जीजा घर, और काफ़ी नेचुरल मामला है, मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के नेचुरलिटी का। सो ये है पूरब, इधर से सूरज उगता है, और अभी 11 बजे के टाइम करीब हो रहा है, और यहाँ का जो नेचुरल व्यू है बहुत ही अच्छा लगता है मॉर्निंग के टाइम का। सो आप देख सकते हैं सामने, अभी मैं अपना व्लॉग उधर बना रहा था। सो यहाँ पर खेत में बहुत सी चीज़ें लगी हैं, मूली, धनिया, प्याज, और इस साइड भी काफ़ी बेहतर खेती करी गई है, प्यारा लगता है देखने में। और जैसे ही मैं गुजरात से आया वैसे ही मेरा वेडिंग का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका था, तो मैं अपना वेडिंग का काम करने लगा। अभी 2 दिन पहले बुकिंग थी और उसके बाद फ्री होने के बाद मैं घूमने आया हूँ। सो आप जो भी ब्लॉग आएंगे बहुत ही औसम होने वाले हैं, तो कंटिन्यू बने रहो मेरे ब्लॉग्स में, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अभी करीब बज गए हैं 1, और पूरे US नगर में इससे खतरनाक जंगल कोई है ही नहीं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ व्यू जो। मैं 2 मिनट की मैगी हमेशा 10 मिनट में बनाता हूँ। ये मसाला पड़ गया।